कोविड-19 और कोरोना वायरस एक ऐसा मुझे मर्ज है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। अगर आपने रिसेंटली ट्रेवल किया है, अगर आपको खांसी, नज़ला, फीवर, बुखार, नौजिया, वॉमिटिंग ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो आपको करीबी हॉस्पिटल या क्लिनिक से रजू करें। हॉस्पिटल आपका कोविड-19 का टेस्ट करेगा, और अगर आपको पहले से डायबिटीज़, लंग डिजीज़, हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ है, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है, तो आप घर पे या आइसोलेशन सेंटर में 10 से 14 दिन तक रखे जाना चाहिए। इस मर्ज से बचने का एक ही तरीका है, हाथ मुसलसल धोएं साबुन से और बाहर जाने से परहेज करें। एहतियाती तदाबीर ही इस मौजी मर्ज से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। अपने और अपने हमवतनों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया तारिक। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अभी तक 170 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और सफ़र कर रहे हैं। हमारे सामने मिसाल है चाइना की, इटली की, कोरिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, स्पेन की। इन ममालिक के अंदर जिस तेज़ी के साथ ये वायरस फैला है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और किस तादाद में मौतें हुई हैं वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि चाइना और जनूबी कोरिया ने इस वबा पर इतनी तेज़ी से काबू पाया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हकूमत की तरफ से बताई गई जो एहतियाती तदाबीर थी उन पर अमल किया। अपने आप को अपने घरों के अंदर बंद कर लिया, जो जो उन्होंने बताया कि कैसे आप लोगों के साथ हाथ मत मिलाइए, लोगों के साथ मिले मत, जो इज्तमात थे उन तमाम चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत हद तक वो लोग इस चीज़ से क्योर हो चुके हैं। अब हमारे कुछ लोग समझते हैं कि ये एक मजाक है और हम ये एक आम सा नज़ला ज़ुकाम है जिससे हम तेज़ी से निकल जाएंगे, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी वबा जो पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैली और दुनिया की ना सिर्फ ज़िंदगियों को इतना ज़्यादा तबाही की तरफ लेकर जा रही है, बल्कि इकॉनमी हमारी हमारी पूरी दुनिया की तबाह हो रही है, तो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, यह मजाक नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क को इस वबा से बचाए। हम क्यों फ़िक्रमंद हैं? यह हुकूमत पाकिस्तान हम पर जो पाबंदियाँ आयद कर रही है वो हमारी बेहतरी के लिए है। वो क्यों हैं? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लंग्स जो हैं वो मुतासर होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और उस चीज़ को बचाने के लिए वेंटिलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 2,500 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के पास 1,70,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स होने के बावजूद वो लोग घबरा भी रहे हैं और काम भी रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ बचा सकती है? बेशक हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान, मगर उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर। इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने जो कुछ हमें कहा है उस पर सख्ती से हम अमल करें, ताकि हम ना सिर्फ अपनी जानें बल्कि दूसरों की जानें भी बचा सकें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस मुश्किल घड़ी से हम सबको पनाह दे। बहुत शुक्रिया।